अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। क्या हुआ माँ, ये आवाज कैसी? मम्मा, पापा मोबाइल में आ रहे हैं। अरे वाह, लाइए माँ, हमें भी दिखाइए। अरे नहीं, कुछ नहीं, बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। क्योंकि एक काम करो ना, तो मीठी के टिफिन तैयार कर दो। जी माँ। अरे ये ग्लास कैसे टूटा? वो हमारे हाथ से फिसल गया। तुम उसका टिफिन तैयार कर दो, उसको स्कूल के लिए देरी हो रही है, हम ही समेट लेंगे। सुषमा, केतकी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। ये दुपट्टे से मुंह क्यों ढका हुआ तुमने? तुम पहले बताओ जी कि तुम्हें रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं ना, और यहाँ अंदर आते हुए तो नहीं देखा ना किसी ने? हाँ, अरे नहीं देखा। अरे क्या तुमने ये, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किससे छुप रही हो तुम? अब मेरी जितनी भी बची हुई जिंदगी है वो तो ऐसे ही छिपते छिपाते गुजारनी है ना मुझे। मतलब कल से लेकर आज तक ऐसा क्या हो गया? कल तो बड़ा ब्रेकअप करके तुम शहर छोड़ने वाली थी ना। चली जाती मैं हमेशा हमेशा के लिए कोलकाता, अगर अगर पापा की ऐसी हालत ना होती तो। पापा? क्या हुआ इन्हें? सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। गांधी, क्या कर रही हो तुम? और तुम ये ऐसी अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ बताओ। ये देखो, खुद देखो। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। दादी, हाँ? आज आपके लिए चाय हमने बनाई है। अच्छा, पीकर बताइए ना कैसी बनी है। देखते हैं। अच्छी बनी है ना? ठीक है। वैसे दादी, आपको कुछ पता चला क्या? हम दिखाते हैं ना, ये देखिए। ये क्या तरीका है बहू? सुषमा हमको कुछ बता रही थी। बस दो मिनट के लिए हमें सुषमा का फोन चाहिए अम्मा, वो दरअसल हमें अपना फोन नहीं मिल रहा, हम इसके फोन से अपना नंबर मिलाना चाह रहे हैं। सुषमा, बहुत दुख की बात है सुषमा, अपने भाई भाभी की जिंदगी के तनाव को तुमने अपना मनोरंजन का पात्र बना रखा है। तुम्हें याद नहीं हमने कहा था इसके बारे में किसी को नहीं पता लगना चाहिए घर में? पर माँ, हमें सिर्फ एक बात। बस सुषमा, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। आज सारा दिन तुम्हारा फोन हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन पर ये फोटोज प्रेस तक पहुंचे कैसे? ये तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थे ना। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कहीं कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने जानबूझ के किया है ताकि तुम और केतकी? नहीं वरदान, बस अब बस, मैं और इंसल्ट नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे बारे में यही सोचते हो ना, ठीक है, काम करो, तुम मेरी जान ही ले लो। कालिंदी,
क्या कर रही हो तुम? कौन सा न्यूज चैनल है? अयोध्या न्यूज। हेलो प्रकाश। हाँ मैंने भी न्यूज देखी। एक काम करो, एमपी साहब को फोन लगाओ, इस न्यूज को फौरन रोकना होगा। तो पता ने उसे हमारी छोटी कसम खाई थी। मेरा कालिंदी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जो विश्वास उसने हमें दिलाया था कि उसका कालिंदी का कोई रिश्ता नहीं है, वो सब झूठ था। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि वरदान अपनी माँ की छोटी कसम खा सकता है। हम वरदान और केकी के संसार को बिखरने नहीं दे सकते। अब हमें कुछ करना होगा। लगता है माँ को भी इस खबर के बारे में पता चल गया। क्या जवाब दूंगा मैं माँ को? बताए, जो भी होगा हम साथ मिलकर सामना कर लेंगे। और ये फोटोज प्रेस तक पहुंचे कैसे? मैं अयोध्या न्यूज के ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पता लगा के रहूंगा कि उन तक ये फोटोज पहुंचे कैसे। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यानी जिन लोगों के मन में सिर्फ शक था, तो हम दोनों को साथ देखे और उन्हें विश्वास हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम यहीं पर रुको, मैं जा रहा हूँ। कब तक इस दुनिया से मुझे छुपाते रहोगे वरदान? जब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी बन के आऊंगी, तब तो सबको पता चल ही जाएगा ना। चार बच्चों की जिम्मेदारी अब हमें छोड़कर हमसे दूर चले गए। हमने कुछ नहीं कहा। बेटी के कन्यादान में नहीं आए, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। 26 साल संसार उजाड़ने का इल्जाम हम पे लगता रहा, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब चुप नहीं रह जाता, क्योंकि आज हमारे बच्चों के संसार पे है। क्यों आपने हमें इतना अकेला कर दिया? क्यों कभी नहीं सोचा कि हमें भी आधार की जरूरत पड़ सकती है? क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों इतना अकेला कर दिया? क्यों? केतकी, माँ आओ ना। ये सब क्या है? आप बैठिए। जिस तरह मिठी हमें मनाने के लिए हमारे लिए कार्ड्स बनाती है, ठीक वैसे ही आज हमने अपनी माँ की माफी पाने के लिए ये अपने हाथों से बनाए हैं। किस बात की माफी बेटा? माँ आप पहले हलवा चखिए, फिर हम आपको बताएं। कैसा बना है? माफी इस बात की माँ कि हमने आपसे झूठ कहा कि वरदान जी और हमारे बीच सब ठीक चल रहा है, बल्कि सच तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से वरदान जी और हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन फिर हमें याद आया कि हमारी माँ ने हमसे कहा था कि उनके होते हुए हमारे और वरदान जी के रिश्ते में कभी कोई आंच नहीं आएगी। बस आपकी बात याद करके हमने वरदान जी से बात की और देखिए आज सब कुछ पहले जैसे ठीक हो गया।
आपको पता है माँ, ये मंगलसूत्र ना ये टूटा नहीं था और आपके आशीर्वाद से ये जीवन भर अटूट रहेगा। हमने भले ही आपको कभी ना जताया हो लेकिन जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की शक्ति हमें आपसे ही मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, हर हालात से लड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, हम तो बस तुम्हें याद दिलाते हैं। हाँ माँ, और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। वरदान जी अपने काम पर इतने व्यस्त रहते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि वरदान जी के पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। लेकिन आपको पता है ना, हमने ना सोच लिया है कि अब से साल में कम से कम एक बार वरदान जी और मिठी के साथ कहीं ना कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हम खुद करेंगे और हम वरदान जी की हर बात का खास ख्याल रखेंगे, उनके खाने का ख्याल रखेंगे, उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। मानहानि का केस करूंगा मैं तुम्हारे न्यूज चैनल पर। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पर्सनल तस्वीरें छापने की? और वो तस्वीरें मिली कहां से तुम्हें? सर आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, इन्हें कुछ नहीं पता। आप श्रीकांत जी से बात कीजिए। हाँ तो बुलाओ उन्हें। क्या दुश्मनी तुम्हारी मुझसे? और ये मेरी बदनामी करने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम लोग? आप प्रेस वालों से इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर बदनामी का इतना ही डर है तो ऐसी हरकतें करते क्यों है? हम पर क्या रोब झाड़ रहे हैं आप? एक बार भी अपने पत्नी के बारे में नहीं सोचा? क्या बीत रही होगी उन पर? How dare you? तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? एक औरत जो दूसरी औरत का डर समझती है। और अगर आप इस वक्त यहाँ से नहीं गए तो ऑफिस में आकर लेडीज के साथ बदतमीजी करने वाली खबर भी कल न्यूज में आ जाएगी। सर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता, अभी इनके ओनर से बात करता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद सीता और गीता फिर से चहक रही है। आज हम ना बहुत खुश हैं दादी। हे राम जी, यानी खुशखबरी? घर में नन्ही सी किलकारियां गूंजने वाली है। बहुरिया ऐसा कुछ है तो हमें बताओ। क्या दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम लोग तो बस ऐसे ही खुश हैं। तुम तो बस हमारे लल्ला को खुश रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता है आज हमारे लल्ला को फिर से दूल्हा बने हुए देखने का बड़ा मन कर रहा है। एक काम करते, हम सब मिलकर बैठकर इसकी शादी का वीडियो देखते। आपको पता है दादी, हमें आज भी इस बात का दुख है कि आप हमारी शादी में नहीं थी। अरे क्या करे भौरिया, प्रथा ही ऐसी है, दादी पोते की शादी नहीं देखती। चलो हम तुम्हारा शादी का वीडियो तो देख सकते हैं ना। चलो जी दादी। अरे तुम नहीं चलोगी, तुमको अलग से न्योता देना होगा। आप लोग चलिए, हम आते हैं। हाँ जल्दी आओ। अच्छा चलो। आज बड़े दिनों के बाद केतकी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, हम इसकी खुशी को किसी का ग्रहण नहीं लगने देंगे। हमें न्यूज वाली बात केतकी से छुपा के रखनी होगी। अरे सीडी मिली क्या? अरे सुषमा हमारी सीडी कहाँ है? वो फेंक दी मैंने। अरे? हेलो, कौन सी न्यूज़ पेपर? अयोध्या टाइम्स। अरे माँ क्या हुआ? अभी हम वीडियो देख रहे हैं ना, अभी कोई फोन पे बात नहीं करेगा। लेकिन माँ हमारी फ्रेंड दिव्या बता रही थी कि न्यूज़ पर कोई खबर है जो। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है जब पूरा परिवार एक साथ हो। अभी हम लोग किसी और बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे जब देखो जब मोबाइल पे रहते हैं ये लोग। एक काम करो, तुम लोग सब अपना अपना मोबाइल इसे दे दो और ये लो हमारा भी मोबाइल रख लो। दो सब लोग। अरे लेकिन माँ, किसी का मोबाइल? हाँ ले लीजिए माँ, वैसे भी आज हमें कोई जरूरी बिजनेस का फोन आने वाला नहीं है। वरुण ये लो। केतकी जी माँ, इसे क्या हो गया? ये सीढ़ी तो पहली सीढ़ी पे ही रुक गई। अरे कहाँ रह गई आपके ओनर? फोन लगाइए उन्हें, इतना टाइम नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है।
कि आप यहाँ आकर मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी करें और प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मुझे घर से वापस आना पड़े। निवेदिता चैटर्जी मैं ही हूँ। आपकी रिपोर्टर ने? मेरी रिपोर्टर ने कुछ गलत नहीं किया। शहर की हस्तियों के बारे में न्यूज छापना तो हमारा काम है। तो आपको कोई भी कंप्यूटर से बनाई हुई नकली फोटो देगा और आप इसे छाप देंगी? श्रीकांत, क्या है ये सब? नो मैडम, वो तस्वीरें हमारे पास किसी ने भेजी नहीं थी। उन तस्वीरों को लेकर एक लेडी आई थी और उन्होंने वो तस्वीरें मुझे दी थी, उसके बाद ही मैंने ये न्यूज पब्लिश की है। औरत, आपके पास उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? ऑफ कोर्स, मैं देखना चाहता हूँ कौन थी औरत। लगता है लल्ला को दूल्हा बने हुए देखना हमारे नसीब में ही नहीं है। अरे आप चिंता क्यों करती हैं दादी, अगर हनुमान गढ़ी वाली चाहे तो साले साहब की शादी आप आज ही देख सकती हैं। वो कैसे जीजा जी? अरे आप दोनों की दोबारा से शादी करवा देते। यहाँ शादी टूटने की कगार पे है और इन लोगों को दोबारा शादी करानी है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो बहू, कैसा रहेगा अगर लल्ला की और बहुरिया की दोबारा शादी की जाए? बहुत अच्छा रहेगा अम्मा। हम तो कहते आज शाम तक दोनों के फेरे करवा देते। तुम एक काम करना, तुम बहुरिया को तैयार कर लेना और जो पंडित जी है ना उसकी जिम्मेदारी तुम उठा लेना। माँ, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? नहीं तो, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में शामिल हो रहे हैं। वैसे सच कहें माँ, हम भी बहुत खुश हैं। आज ही हमने सोचा था कि राम जी के आशीर्वाद से वरदान जी और हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। और देखिए, इससे सुंदर शुरुआत कोई हो सकती है क्या? ऐसे समय पर जीजा जी का ऐसा सुझाव देना इस बात का संकेत है कि राम जी की कृपा हम पर और वरदान जी पर बनी हुई है। पता है माँ, हम ना आज उतने ही खुश हैं जितने 6 साल पहले अपनी शादी के दिन थे। इधर आइए। बिल्कुल ऐसा होगा हमारा हवन कुंड। एक बार फेरे हो जाए उसके बाद आप इनसे कहेंगी, वरदान बेटा अब तुम हमारी केतकी को शादी के 7 वचन फिर से दोगे। ये देखिए, ये है वो लेडी जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। इसमें तो इसका चेहरा नहीं दिख रहा, कोई और कैमरा है आपके पास? एक मिनट, हम थोड़ा आगे गए थे फिर इन लेडी का फेस दिखाई देगा। जी। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। उन्हें हमें पहला वचन देना होगा कि जिंदगी भर वो हमें प्यार और सम्मान देंगे। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा। खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। अरे माँ, आप बस खड़े खड़े देख रही हैं, हम फेरे ले रहे हैं, आप फूल तो बरसाइए। हमारा दूसरा वचन होगा कि हम दोनों का साथ 7 जन्मों का होगा।
और पांचवे फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि जीवन का हर फैसला हम एक दूसरे की सहमति के साथ लेंगे। और पांचवे फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि जीवन का हर फैसला हम एक दूसरे की सहमति के साथ लेंगे। और सातवें फेरे के बाद वरदान जी हमें ये वचन देंगे कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। ये देखिए, ये देखिए, ये है वो लेडी जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। आप ना हमेशा सही कहती थी माँ, वरदान जी को अपने काम की कितनी चिंता होती है, और फिर आप हमारा बचपना जानती है ना माँ, इसीलिए वो शायद हमसे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है माँ, आज से ना आप एक नई केतकी को देखेंगी। हम वरदान जी को ना शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, हमको हमेशा खुश रखेंगे, फिर तो वो हमारे साथ पहले जैसे हो जाएंगे ना माँ। माँ, हमने सब कुछ पहना है, ये भी है ये भी है, फिर पता नहीं क्यों हमें कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। सब जानती है ना माँ, माँ है ना, आपको पता है माँ, औरों के लिए ये सिंदूर सिर्फ एक सुहाग की निशानी होगी, लेकिन हमारे लिए हमारे प्यार की निशानी है। और जब भी ये सिंदूर हम अपनी मांग में भरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वरदान जी के रंग में रंग गए हो। और आज के बाद ये रंग और भी पक्का और कभी ना छूटने वाला अटूट रंग हो जाएगा। आज सुबह की आई इस खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। चले सिंदूर का कितना तो अपशगुन होता है, भगवान जाने अब क्या होने वाला है। माँ चले, वरदान के घर आने से पहले एक बार उससे मिलके बात करनी होगी। अरे ओ छोटे साले साहब, बड़े साले साहब से कहिएगा कि उनकी शादी में सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस अपने हाथों से फूल लगाए, लाइटें लगाई, सबके खाने का इंतजाम करा है, राशन वाले को बुलाया है या हलवाई बुलाए थे, म्यूजिक सेलेक्ट करा और सबके बैठने का अरेंजमेंट किया, बस बाकी सारा इंपॉर्टेंट काम आपने किया। जी जी ये भी ना बात। अरे अब इतने लदे हुए क्या खड़े हो, जल्दी कुछ काम भी कर लो, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे यार तुम भी ना।
इंतजार कर रहे हैं। हम अभी आते हैं। जी ऐसी रंगीन तिलिया मैंने तुम्हें उस आदमी के घर में भी गाड़ने को बोला था, वो काम हुआ? उस दिन मैंने घर पर पहुंच के सबसे पहले वही काम किया। तो फिर समझ लो ये विधि सफल हो जाएगी और अब तक उन तिलियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। वरदान तिवारी के ऑफिस आके भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है उनके नाजायज रिश्ते की खबर बाहर आने के बाद वरदान तिवारी मीडिया से छुप रहे थे। और ये तो वरदान तिवारी की माँ है। चलिए। आपके बेटे के अफेयर की खबर तो पूरी अयोध्या में छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? कालिंदी दास के साथ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में आपको पहले से मालूम था। क्या आपके बेटे और बहू तलाक लेने वाले हैं? हाँ जी, हमें जाने दीजिए। अगर तलाक हुआ तो क्या मिस्टर वरदान अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ेंगे? क्या मिस्टर वरदान अपनी शादी से खुश नहीं है? इस खुलासे के बारे में आपकी बहू का क्या कहना है? अरे ये क्या बोलेंगी, बच्चे ऐसे तभी निकलते हैं जब उनकी माँ उन्हें बढ़ावा देती है। ये सब इनकी परवरिश का नतीजा है। मैम आपको जवाब देना पड़ेगा, उनकी पत्नी के बीच बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। मैम आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और कालिंदी के बीच अफेयर है मैम, क्या आपके बेटे वरदान और उनकी पत्नी के बीच अच्छा संबंध नहीं है? आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकते। कैलाश जी गाड़ी निकाल। मैम रुकिए रुकिए, जब मैम रुकिए आपको जवाब देना ही होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगी थी। हम तुम्हारे पल्लू में गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लल्ला को जिंदगी भर तुम्हें दुगनी खुशी देनी होगी। क्या हुआ? यहाँ बैठा उठो। अब वैसे भी थोड़ी देर में मुंह के बल गिरने ही वाली है, क्योंकि अब तक कालिंदी ने अपना काम कर दिया होगा। अब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ लो उस लड़की की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे केतकी? तो पूजा मैं करूंगी और उम्र तुम्हारे पति की लंबी होगी। अब देखो कैसे तुम्हारी ये घर गृहस्थी के सपने इसी तरह जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा पति मेरा होने वाला है। दोबारा शादी करने का इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन दूसरी बार भी तुमने मुझ जैसे खड़ूस को ही चुना। खबरदार, जो हमारे वरदान जी के बारे में एक और शब्द बोला तो अगले 7 जन्मों में हमें जितनी बार भी मौका मिलेगा हम उनको ही चुनेंगे। और अगर मैंने किसी और को चुन लिया तो? हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो आज हम आपसे फिर से शादी के 7 वचन लेंगे। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरी।
तुम्हारे भैया भी कमाल हैं, अपनी शादी में लेट। अरे दूल्हे राजा के आने तक बारातियों का नाच गाना तो होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम एक शर्त पे नाचेंगे आज, भाभी को हमारा साथ देना होगा। क्या भैया, अपनी शादी में दुल्हन थोड़ी ना नाचती है। ये सब रूल ना फर्स्ट शादी के होते हैं, सेकंड शादी में सब अलाउड होता है। चलिए। नहीं नहीं भैया, हम नहीं नाचेंगे। हम म्यूजिक लगाते हैं। रब दी महल हाय सजे आए वे सारा शहर। अरे ये साधना कहाँ रह गई। रब दी महल खुशियां तो चढ़िया आज बेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे। सरप्राइज मिलने पर बोलती बंद हो जाती है, ये तो सुना था। आप तो मुस्कुराना भी भूल गए साले साहब। अरे बताइए तो सही, कैसा लगा हमारा सरप्राइज। हमारे भैया ना बोल के बताने वालों में से नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है भाभी को दुल्हन बने हुए देख कर ना भैया के मन में लड्डू जरूर फूट रहा होगा। अरे जाइए भैया जाइए, रेडी होइए, आज फिर से शादी होने जा रही है आपकी। साधना म्यूजिक के ऑनर वरदान तिवारी का बड़ा स्कैंडल, अपकमिंग सिंगर कालिंदी दास के साथ अफेयर। वो तस्वीरें हमारे पास लेकर एक लेडी आई थी, ये देखिए। यहाँ पे कोई शादी नहीं हो रही है, जाइए आप यहां से। क्या हुआ लल्ला, आते ही इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? ये सवाल तो आपको अपनी लाडली बहू केतकी से पूछना चाहिए दादी। क्या हुआ वरदान जी? मैं तो हैरान हूँ केतकी, इतनी हिम्मत तुम लाई कहां से हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम ऐसी हरकत करोगी। पर लल्ला हुआ क्या है? दादी पूछिए अपनी बहू से कि अपने पति की और अपने परिवार की इज्जत में क्या चार चांद लगाकर आई है ये। कालिंदिया होती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने पूरे शहर में मेरी बदनामी कर दी। ये सब क्या कह रहे हैं भैया, अनजान मत बनो वरुण। अब तक तो वो खबर तुमने भी देख ही ली होगी ना। कौन सी खबर? आप सब लोगों को कुछ नहीं पता, मतलब जिस खबर को सुन के वरदान तिवारी का पूरे अयोध्या शहर में मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे अपने घर वालों को इसके बारे में नहीं पता। कैसे देखते वरदान, माँ ने हम सबके फोन ले लिए और खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। हमारे फ्रेंड ने हमें फोन किया था, उसने कहा था कि कोई न्यूज है जो हमें फौरन देखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम देख पाते माँ ने हमसे फोन ले लिया।
कैसी खबर लल्ला, कुछ बताओ हमको। आपकी लाडली बहू केतकी ने सारे शहर में ये झूठी अफवाह फैलाई है कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वरदान जी, हमें नहीं पता आपको ऐसा किसने कह दिया, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? ये भोला चेहरा बनाकर ना तुम घर वालों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ ना उसका सबूत है मेरे पास। ये देखो, देखिए ये है आपकी बहू की सच्चाई। मुझे बदनाम करने के लिए इसने खुद जाकर न्यूज एजेंसी वालों को ये झूठी खबर दी है। हे राम, हम भी का कुलाड़ी पे पैर मारे बैठे हैं। अरे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ हमने किया और तुम हमी से बदला ले रही हो? क्यों भाभी, हमारी शादी तोड़कर आपका दिल नहीं भरा जो हमारे भैया को बदनाम करने पर तुली हुई हो? तू भी एक सेकंड पहले सुन तो लेते हैं भाभी क्या कहना चाहती हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है वरदान जी। हम वो न्यूज चैनल वालों के ऑफिस गए थे, लेकिन आपकी बदनामी फैलाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो क्यों गई थी वहां पे? क्या काम था तुम्हारा वहां पे? ले गए थे क्योंकि हमने कालिंदी ने फोन किया था। कालिंदी, अब ये कौन है? वो जरूरी नहीं है दादी, जरूरी ये है कि आपकी बहू वहां पे क्या तीर मार के आई है। हमारी बात का विश्वास मानिए वरदान जी, हमें तो हमें कालिंदी का अचानक फोन आया और उसने हमें फोन कर घर बुलाया। हम उससे मिलने गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि मेरे पास मेरे बाबा का इलाज कराने के लिए तक पैसे नहीं है। जहां तक पैसों का सवाल है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये एड्रेस पर जाकर श्रीकांत जी को पैसे दे देना, वो पैसे मुझ तक पहुंचा देंगे। कहाँ तुम मिस इंडिया बनने के लिए निकल गई थी केतकी? तुम्हें तो लेखक बनना चाहिए। वरदान जी, हम कैसे अपनी बात पर आपको विश्वास दिलाएं? शादी के इतने सालों में आप हमारे बारे में इतना भी नहीं जान पाए। हम किसी भी बात को लेकर आपसे कितने भी नाराज हो जाए, हमारे दिल की बात कभी किसी को नहीं पता चलेगी। तो फिर आपके इतने बड़े शहर में इतनी बदनामी फैलाने की बात हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा विश्वास मानिए वरदान जी, हम वहां पैसे लेकर सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम एक बीमार इंसान की मदद कर सके। बहुत मेहनत से कहानी बनाई है तुमने, लेकिन हम में से किसी को भी पसंद नहीं आई। वरदान जी, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, आपको सिर्फ एक गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तुम पाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ये सब करके तुम बच जाओगी? आज तक तुमने मेरा गुस्सा देखा है, लेकिन आज तुम मेरा पागलपन देखोगी। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जी।
एक सेकंड भैया, आराम से शांति से बैठ के बात कर लेते हैं। हमें नहीं लगता भाभी जानबूझ के कुछ भी ऐसा करेंगी। आप शांत हो जाइए, अभी अभी सबका टाइम नहीं है भैया। भाभी के साथ ऐसा नहीं भैया, आप आराम से शांत हो जाए। इस घर में जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा। आज जो इसने किया है उसके बाद मैं इसे घर में नहीं रहने दे सकता। आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आपको पता भी है जिसका आप बचाव कर रही हैं ना, उसने पूरे शहर में मेरी बदनामी करने की कोशिश की है। इसकी वजह से पूरा शहर ये समझता है कि मेरा किसी लड़की के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा है। नहीं है नाजायज रिश्ता। पूरा शहर गलत सोच रहा है। बोलो, जवाब दो। बहू, ये क्या किया तुमने? आशीर्वाद देने के बजाय सजा देने के लिए तुमने लल्ला पे हाथ उठाया। आज बहुत साल पहले हमें हाथ उसे सजा देने के लिए उठा चुके होते।
किस बात की सजा? क्या किया हमारे लल्ला ने? इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उंगलियों के निशान आ गए मेरे लल्ला के चेहरे पे। हमारा थप्पड़ का निशान कुछ देर में निकल जाएगा अम्मा, लेकिन आज इसने जो हम पर थप्पड़ मारा है ना, ये निशान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। झूठा गर्व करते थे तुम पर वरदाना, ये सोचते थे कि तुम अपने पिता से अलग हो, लेकिन नहीं, तुम अपने पिता से अलग बिल्कुल नहीं हो। उन्हीं की तरह तुमने भी हमारे अरमानों को अपनी जूते की तरह रौंद दिया है। याद है तुम्हें वरदान, जब तुम बचपन में फेल हो गए तब तुमने हमसे आके कहा था कि माँ हम ना टीचर की गलती के वजह से फेल हो गए। आप ये बात है किसी को बताना नहीं, और हम बेवकूफ तुम्हारी बात मानकर सबसे यही कहा कि हमारा बेटा पास हो गया है, और उस दिन से लेके आज तक ना जाने कितनी बार तुम्हारी गलतियों पर हमने पर्दा डाला। हाँ वरदान, हमें पहले से तुम्हारे और कालिंदी के बारे में पता चल चुका था। लेकिन हम ठहरे बेवकूफ, हम फिर से तुम्हारी बातों में आ गए वरदान। हमने ये सोचा कि शायद हम गलत हैं तुम पर शक करके। जानते हो क्या वरदान, आज ना हमें तुमसे ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, अपने बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा है। इसलिए हमने केट के से इतनी बड़ी बात छुपाई। काश हम वो फेल वाली बात पर पर्दा नहीं डाले होते, काश तो शायद आज हम तुम्हारी माँ फेल नहीं होती। ये केत की फेल नहीं होती, ये परिवार फेल नहीं होता। तुमने भी फेल कर दिया बर्दान, तुमने भी फेल कर दिया। जानते हो वरदान, तुम्हें ऐसा इंसान बनाने में ना सारा दोष हमारा और केतकी का है। हमारी परवरिश और इसके प्यार ने तुम्हें अमानुष बना दिया है। हम पूछते हैं क्या है उस लड़की में जिसकी वजह से तुम हमसे, हमें और अपनी पत्नी को धोखा देने के लिए तैयार हो गए। अरे क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने बहुरिया साधना बहू को? अरे ये तो पागल हो गई है। अगर मेरे लल्ला ने गलती की भी होगी तो तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि पूरे परिवार का पेट पाला है उसने। और हमारे भाई को बदनाम करने से पहले कौन सी जांच पड़ताल की थी? हम तो मानते कि ये खबर ही झूठी है, और आज तुम्हारी गलती की वजह से हमारा भाई क्यों भुगते? हाँ भाभी, अगर आपको तमाशा करना ही था तो घर पर ही कर लेते। इस तरह से प्रेस में जाकर हमारे परिवार का मजाक बनाने का आपको कोई हक नहीं था। रूफी, आप सबको अधूरी बात पता है, पूरी बात कोई नहीं जानता है। हमें तुम्हारी कोई बात जाननी भी नहीं है जिससे हमारा लल्ला बदनाम हो। उसके नाम पे कोई भी कलंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरदार ने जो इस परिवार पर कलंक लगाया है उसका क्या, उसका क्या? बहुत परीक्षाएं दे दी हमारी बहू, बस सब और नहीं, अब परीक्षा वरदान की होगी। और दंड भी उसी को मिलेगा। अगर इस घर में किसी के चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है तो वो है वरदान।
तुम्हारी बहू गंगा की तरफ पवित्र है। हम उसे इस घर की लक्ष्मी बनाकर लाए थे और हम लक्ष्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मेरी अपनी माँ को अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू पर विश्वास है तो मैं इनकी बहू की करतूत के सबूत भी दे सकता हूँ, और वो देखने के बाद सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए। ये देखिए माँ, पर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि आप सबूत देखना भी नहीं चाहती। मां, मैं आज तक आपके खिलाफ नहीं गया, लेकिन आज मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आज जो इसने किया है ना, इसके किए की सजा मैं इसको दे के रहूंगा, चाहे आप मुझे लाख रोक लें, लेकिन मैं इसे घर से बाहर निकाल के रहूंगा। ये कैसी जिद है? आज आपको फैसला करना पड़ेगा, या तो इस घर में केस की रहेगी या मैं। केस की नहीं केतकी, आज तुम भी नहीं हमें रोकोगे। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो, पागल हो गई क्या? हमारा लल्ला इस घर से नहीं जाएगा, बस। आज के बाद तुम ये समझना कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां मर गई। जब कोई मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान किया जाता है। आज मैं अपने ही अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने जा रही हूं। आ 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
आज कोई बीच में नहीं आएगा। खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो। आज तो मैं छोड़ूंगी ना दादी, क्यों छोड़ूंगी दादी? अरे ये तो कलंक नहीं है, कलंक नहीं। पहले मेरा बेटा गया, मेरे पोते को भी घर से भेज दी दादी। छोड़ो दादी, नहीं इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो मार तो मार दूंगी। दादी को कमरे में लेकर जाते हैं। चाहिए माँ भी उठ रही है। उन्हें देखने के लिए कहती है कि इसे संभाल लेगी। छोड़ो मुझे दादी, चलिए। अरे छोड़ो मैं। माँ उठिए, माँ। माँ, माँ। हम पानी लेकर आते हैं। माँ उठिए, माँ आँखें खोलिए। माँ। भैया। मेरे लल्ला को उसने मुझसे छीन लिया। दादी, अब मैं ना उसको छोड़ूंगी नहीं। दादी, अब मेरे लल्ला को। दादी, दादी। अरे नाटक मत कर। छोड़ो। रीजे, फोन नहीं लग रहा डॉक्टर का। हम गाड़ी निकालते, चलिए डॉक्टर को लेके आते। माँ के खुलिए, माँ उठिए। हमें वरदान जी को बताना होगा। नहीं, सोचना भी नहीं। वरदान के लिए हम अपना अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वो हमसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो। माँ, करूं क्या? शादी का जोड़ा लेने आज ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, रात हो गई है। नहीं, ये सही रहेगा। एक दो दिन में शोना को भी अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। नहीं चाहिए। रुबी, एक मिनट मेरा फोन। दादी, अरे छोड़ दादी, नहीं छोड़ मेरा हाथ। वरदान घर से निकल गया। फिर तो जरूर मुझे लेने आ रहा होगा। अच्छा दीदी, मैं अभी रखती हूँ, मुझे ना तैयार होने। ठीक है, ये मेरी बात तो सुनो। हेलो, मैं दिया तोड़ दूंगी। दादी 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 दादी, दवाई दवाई दवाई। नहीं करे दवाई मुझे। दादी, माँ, ये नमक चीनी का घोल है, एक बार पीजिए, आपको शक्ति आएगी। के पास डॉक्टर साहब के साथ ही हैं, पर यहाँ पेड़ गिर गया है।
दूसरे रास्ते से आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समय और लगेगा। भैया थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिए। माँ उठिए ना, क्या करें? या तो इस घर में केतकी रहेगी या मैं। केतकी? आंटी जी, हम आपके पड़ोस से वरदान तिवारी की पत्नी बात कर रहे हैं। वो आंटी जी, हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें लगता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप हमारी मदद। माफ करना, लेकिन ऐसे परिवार के साथ हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हमें निर्मला भाभी को कॉल करना चाहिए। निर्मला भाभी, हम केतकी केतकी खबरदार, जो दोबारा यहाँ फोन किया तो तुम्हारे पति ने जो घोल खिलाए हैं उसके बाद आस पड़ोस वाले कोई भी तुम लोगों से कोई नाता नहीं रखना चाहते। महेश भैया आप कहाँ हैं? हम तो सवारी लेकर लखनऊ आए हैं, लेकिन हुआ क्या है? सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। हम आपको बाद में फोन करते हैं। अब हमें ही कुछ करना होगा। चिंता मत करिए, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको कुछ नहीं होने देंगे।